यहाँ पर अब जो है जितना भी आपने ये देखा है, यहाँ पर आपकी जितना भी है कंट्रीब्यूशन जो है गुप्ता एम्पायर का खत्म होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता रूलर्स. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द किंगडम. इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इनके रूलर्स ने क्या क्या काम करा, वो नाउ वी विल स्टडी दैट थिंग. पहली चीज, जो गुप्ता किंगडम है, जो ये गुप्ता एम्पायर है, जो ये गुप्ता डायनेस्टी है, कुछ भी बोलो, इसको फाउंड किसने करा था, श्री गुप्त ने. श्री गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, पहली चीज. दूसरी चीज, जो आपके श्री गुप्त थे, आगे जो है घटोत्कच जो है इनके जो है सन है, नॉट द इम्पोर्टेंट वन घटोत्कच, बट इसलिए लिया गया कि पूछा जा सकता है कि श्री गुप्त के सन कौन थे. Who was the son of Shrigupt? So answer will be Ghatotkach. अब इनके जो important rulers हैं, वो हम study करेंगे. They were influential. जो ये Gupta rulers हैं, इनका influence कहाँ पर था? किन-किन जगहों पर जो है इनका प्रभाव था? North India में, Central India में, मध्य भारत and South में इनका बहुत ही कम जो है contribution था, बहुत ही कम जो है इनका प्रभाव था. लेकिन नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जो है इनका जो है ज्यादा प्रभाव था. अब एक ओरिजिन को लेके इनकी एक और बात कही गई है कि कुछ लोग इन्हें बोलते थे कि जो ये गुप्ताज हैं, जो ये गुप्ता रूलर्स हैं, दे आर ब्राह्मण्स. कुछ का कहना था कि एक वैश्य क्लैन से बिलोंग करते हैं, क्लैन मीन्स जाति, बट कुछ लोगों का ब्राह्मण, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग बिलोंग्स टू. सो हम क्या मानेंगे कि गुप्ता जो है किससे बिलोंग करते हैं, वैश्य क्लैन से बिलोंग करते हैं, वैश्य जाति से बिलोंग करते हैं. क्लियर? क्योंकि ज्यादा लोगों का जो मानना था वो वैश्य की तरफ था, ब्राह्मण बहुत कम लोगों का मानना था. देन अब हम स्टडी करेंगे जितने भी इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं. यस भविष्य, मैम जो ब्राह्मण्स थे मैम, उनको मैम वैसे की जाति से क्यों माना जाते थे? मैंने कब कहा कि ब्राह्मण को वैश्य जाति माना जाता है? When did I say? मैंने तो ये कहा कि ब्राह्मण अलग है, वैश्य अलग है. उन लोगों का कुछ का मानना था कि जो ये गुप्ता थे, ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो ये कहते थे, वो ये कहते थे कि ये वैश्य जाति से बिलोंग करते हैं. मैंने कब बोला कि ब्राह्मण वैश्य? ध्यान से सुनो भविष्य, बी केयरफुल, बी सिंसियर. दोनों अलग अलग जाति हैं बेटा, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. क्लियर? बट मोस्टली लोगों का मानना था कि वो वैश्य से, तो इसलिए हम इस चीज को कंसीडर करेंगे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस एम्पायर आर, अब हम जो है इनके जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हैं आपके चंद्रगुप्त वन. इनका जो टाइम पीरियड है 319 से लेके 334 तक का इनका जो है टाइम पीरियड है. यस मैम. हम चंद्रगुप्त तो पहले भी आया था ना? हाँ जी, तभी इन्होंने आगे चंद्रगुप्त फर्स्ट लगाया है. मैम उसका नेम था क्या रूलर का? अलग अलग रूलर है, अलग अलग नेम है. यहाँ पर चंद्रगुप्त वन है, यहाँ पर चंद्रगुप्त नहीं है. पहली चीज ध्यान से, यही मैं चीज बोल रही हूँ, ध्यान से देखो. दिस इज नॉट चंद्रगुप्त दैट विच वी हैड स्टडीड. नो, नॉट दैट वन, इज द सेपरेट वन, सेपरेट रूलर. दिस इज चंद्रगुप्त वन. ये जो आपको आई दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट चंद्रगुप्त वन. उनका जो टाइम पीरियड है 319 से 334. अब यस भविष्य, मैम जो है मैम चंद्रगुप्त है मैम, इसका मैम किंग्स ऑफ किंग कैसे हुआ मैम? ये बेटा अभी ये मैंने पढ़ाया, अभी मुझ में वहां तक पहुंची ही नहीं हूँ. अभी तो मैं चंद्रगुप्त वन और उसका टाइम पीरियड ही बता रही हूँ.
अननेसेसरी में हैंड रेज करना कोई वो नहीं है। एनीहाउ, चंद्रगुप्त को टाइटल दिया गया, चंद्रगुप्त वन को जो है टाइटल दिया गया, दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ किंग्स। ही वॉज कॉल्ड किंग ऑफ किंग्स ही बिकॉज ही स्टार्टेड गुप्ता एरा, और इन्होंने गुप्ता एरा की जो है स्टार्टिंग करी। और दूसरी चीज महाराजा महाराजाधिराज, इसलिए इनको टाइटल दिया गया किंग, विच मीन्स इंग्लिश में किंग ऑफ किंग, राजाओं के राजा। इनकी एक्सपेंशन बहुत अच्छा था, एक्सपेंशन एंड कंक्वेस्ट, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज किंग ऑफ किंग्स। यस मैम, महाराजा अधिराज क्या है मैम, उनको कहा टाइटल गया है मैम किंग चंद्रगुप्त वन को बेटा टाइटल दिया है महाराजा धीराज। उनके नेम है मैम, ये हाँ जी, हाँ उनके नेम है कि, और जी बेटा, हाँ मैम गुडोजर जो उनके पापा थे। ओके जी, मैम, महाराजा धीराज, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। चंद्रगुप्त वन जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त वन जो है रूलर है। प्लीज वेट, लिसन टू मी केयरफुली रादर देन रेजिंग हैंड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान दीजिए, आगे नहीं बढ़ते जाइए, जो मैं बता रही हूँ उसको सुन लो प्लीज, फॉर हेवनली सेक, टाइम वेस्ट होता है फिर ऐसे। चंद्रगुप्त वन जो थे रूलर थे, गुप्ता एम्पायर के पहले रूलर थे। दूसरी चीज, इनको उपाधि दी गई महाराजाधिराज की, एक टाइटल दिया गया, क्लियर। जैसे कि आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोला जाता है, सो इन द सेम वे उस टाइम पे भी टाइटल्स दिए जाते थे लोगों द्वारा, तो वही चीज जो है चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज बोला गया, उनको एक टाइटल एक उपाधि दी गई, विच मीन्स इन इंग्लिश किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, काफी राजाओं के राजा, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ हिज कंक्वेस्ट, बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स हिज एम्पायर। द नेक्स्ट इज, अब जो ये चंद्रगुप्त हैं, ये किन के बेटे थे? घटोत्कच के, यानी कि जो घटोत्कच हैं वो कौन हुए? इनके फादर हुए। घटोत्कच वॉज दी फादर ऑफ चंद्रगुप्त। ये जो चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने शादी किससे करी? ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कॉल्ड कुमार देवी। इन्होंने जो है एक लिच्छवी के प्रिंसेस जो है कुमार देवी जो है उनसे जो है शादी करी, और जो कुमार देवी जो है इन्होंने जो है उनकी जो पोजीशन को स्ट्रेंथन करा, इंक्रीज करा, क्योंकि शी वाज ऑलरेडी द प्रिंसेस, एक प्रिंसेस से इन्होंने शादी करी थी, तो वहां के लोग भी जो हैं इनके जो हैं मुरीद बन गए थे। यस मैम, हम लिच्वी क्या होता है? ओके जगह है बेटा, मैम, दिस इज नॉट कुछ रिलेटेड टू, इट इज अ जगह का नाम है। ही मैरिड, बोल लिखा तो है बेटा, ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी की प्रिंसेस से जो है इन्होंने शादी करी है, और उस प्रिंसेस का नाम क्या है? कुमार देवी। अब जो चंद्रगुप्त वन है, इन्होंने जो है इनकी जो डेथ जो है वो कब हुई? ही डाइड इन 335 AD, लीविंग ही सन समुद्रगुप्त। अब इनके बाद जो आए वो कौन आए? इनके बेटे समुद्रगुप्त वो रूलर बने, तो इन्होंने काफी बड़ा, वास्ट मीन्स काफी बड़ा एम्पायर जो है इन्होंने एक्सटेंड करा, कहाँ तक? वास्ट एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम पाटलिपुत्र से लेके प्रयाग तक जो है इन्होंने एक्सपेंड करा। यस अनिश, यू वर आस्किंग समथिंग, यू हैव रेज्ड हैंड, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। हाँ हम घटोत्कच किसके पुत्र थे? हम जी, घटोत्कच के फादर कौन थे?
अभी बता देते हैं बेटा, अभी बता देते हैं, वेट कीजिए। आप लोग आगे बढ़ने की ज्यादा उत्सुकता होती है, जो करवाया जाता है ना उसमें इंटरेस्ट कम होता है आप लोगों का। ऐसा करोगे अपना नुकसान होगा। एनी हाउ, चलिए कोई नहीं, बता दिया जाता है। घटोत्कच जो है, पहली चीज तो है कि वो फादर होते थे किसके, चंद्रगुप्त के। आगे वो किसके होते थे वो भी बता दिया जाएगा। फर्स्ट ग्रेट किंग, चंद्रगुप्त वन का पहले कंप्लीट करें। फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता एम्पायर के पहले ग्रेट जो है, बड़े जो है, महान जो है राजा कंसीडर करा गया है चंद्रगुप्त वन को। रीजन बीइंग कि इन्होंने जो है इन्होंने जो है बहुत अच्छे लेवल पे जो एम्पायर को है एस्टेब्लिश करा, क्योंकि ही वाज़ द फर्स्ट रूलर। और इनको महाराजाधिराज की इनको जो है पोस्ट दी गई, टाइटल दिया गया, अगेन बिकॉज ऑफ हिज वर्क। और जो घटोत्कच के, जो आपके पूछा है ना कि घटोत्कच के फादर कौन है, श्री गुप्त इज द फादर ऑफ घटोत्कच। क्लियर अनिश यादव? द नेक्स्ट वन, यस अभिनव। Extending means? Extending means बेटा बढ़ाना, expand करना। Clear? Extending clear? Yes ma'am। हाँ, घटोत्कच वाला भी क्लियर हुआ उस बच्चे को जो पूछ रहे थे। श्री गुप्त के जो बेटे थे वो थे घटोत्कच, तो that means घटोत्कच के फादर कौन हुए, श्री गुप्त। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।